हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के हिंदी के एडगेड अभ्यास पुस्तक के पार्ट 20 को। इस पार्ट का नाम है बच्चों रुपए की आत्मकथा। तो बिल्कुल भी देना करते हुए बच्चों चलते हैं इस पार्ट के प्रश्न उत्तरों की ओर। पाठ का बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 है, वो है शेरशाह सूरी के कार्यकाल में सोने के सिक्का कहलाता था, ये मोहर कहलाती थी। प्रश्न क्रमांक 2 है, ब्रिटेन की मुद्रा का प्रतीक चिन्ह है, तो ये सी वाला प्रतीक चिन्ह है। प्रश्न क्रमांक 3 है, यह बात सोले आने सच है कहावत किसके संदर्भ में बनी है, तो ये रुपया के संदर्भ में बनी है। प्रश्न क्रमांक 4 है, 15 जुलाई 2010 में किस नई पहचान मिली थी, तो ये भारतीय रुपये को नई पहचान मिली थी। प्रश्न क्रमांक 5 है, जब रुपया प्रचलन में नहीं था तो लेन देन कैसा था, तो ये कठिन था। प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर में आएगा प्रयोग, 7 में आएगा उदय कुमार, 8 में आएगा रुपया, 9 में आएगा चेक और 10 में आएगा डिजिटल। प्रश्न क्रमांक 11 है, रुपये के प्रचलन से होने वाले कोई दो लाभ लिखिए, तो सालस का शुल्क जमा करने में और दूसरा पाठ्य पुस्तक खरीदने में। प्रश्न क्रमांक 12 है, वर्तमान में आपके पास नगद रुपया नहीं हो तो आप भुगतान किस माध्यम से करेंगे, तो इसका उत्तर है वर्तमान में मेरे पास नगद रुपया ना हो तो मैं वस्तु देकर भुगतान करूँगा। प्रश्न क्रमांक 13 है बच्चों, भारतीय रुपये का प्रतीक रू किस लिपि से लिया गया, तो ये देवनागरी लिपि से लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 14 है, मुद्रा के डिजिटल प्रयोग से क्या लाभ हुआ है, तो मूल के निर्बाध हस्तांतरण को सक्षम बनाती है और लेन देन लागत को सस्ता बनाती है, यानी हम आसानी से जो मुद्रा है उसे एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है, पाठ में आई कहावत को छोड़कर रुपए संबंधी अन्य कोई कहावत लिखिए, तो इसका उत्तर है बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। 16 है, निम्नलिखित देशों की मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक के नाम व प्रतीक चिन्ह लिखिए, तो यहाँ से आप देखकर आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है, रुपये को कागज पर मुद्रित करने के क्या लाभ हैं, अपने शब्दों में लिखिए, तो इसका उत्तर है मुद्रा का भार नहीं होता, अतः लाने और ले जाने में सरलता होती है, मुद्रा के नष्ट होने पर शीघ्र ही छपाई होकर उसकी भरपाई की जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 18 है, जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब लेन देन में कौन सी समस्याएं आ रही थी, तो इसका उत्तर है जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब बाजार में लेन देन कांसे की मुद्राएं आदि से होता था, उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। प्रश्न क्रमांक 19 है, उन कार्यों का वर्णन कीजिए जिनके करने से भारतीय मुद्रा का अपमान होता है, तो उत्तर भारतीय मुद्रा को फाड़ना, जलाना या लेने से इनकार करना मुद्रा की अपमान की श्रेणी में आता है। प्रश्न क्रमांक 20 है, रुपए का प्रयोग आप किन किन कार्यों और स्थानों पर करते हैं, सूची बनाइए, तो इसका उत्तर बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप यहाँ से देखकर इन प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। तो इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।